नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लखीसराय में कहा कि कांग्रेस 20 साल से राहुल बाबा की लॉन्चिंग कर रही है। इस बार भी पटना से कांग्रेस ने राहुल की विफल लॉन्चिंग की है। आपको 20 बार से फेल राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी? नीतीश कुमार सीएम बने रहना चाहते हैं, उन्हें पीएम नहीं बनना है। जिन्होंने विश्वासघात किया है, भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे हैं, उन्हें सबसे पहले दंड देने का काम मुंगेर लोकसभा और लखीसराय से करना है। अमित शाह ने अपनी 27 मिनट के भाषण में 2 बार नीतीश कुमार का नाम लिया। उन्होंने कहा कि पलटूराम नीतीश बाबू कहते हैं कि 9 साल में क्या किया। नीतीश बाबू जिनके कारण आप मुख्यमंत्री बने, जिनके साथ इतने साल बैठे, कुछ तो लिहाज करो। नीतीश बाबू आप सुनना चाहते हो तो पूरा हिसाब देने आया हूँ। लालू को भी निशाने पर लिया। नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या किया? जो नेता हर बार बदले उस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? ऐसे आदमी के हाथ में बिहार सौंपना चाहिए क्या? इसलिए कांग्रेस की चौखट पर बैठे वो बस मूर्ख बना रहे हैं, वो सीएम बने रहना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने पटना में आयोजित विपक्षी एकता की बैठक में शामिल एक एक पार्टियों का नाम लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठी हुई। ये 20 पार्टियां कौन है? ये 20 लाख करोड़ का घपला घोटाला भ्रष्टाचार किया है। 20 लाख करोड़ घोटाला करने वाले कांग्रेस, लालू यादव और कांग्रेस के हाथ मिले हैं। नीतीश बाबू आपकी राजनीति पैदाइशी ही भ्रष्टाचार का विरोध करके हुई। इंदिरा के आपातकाल के विरोध से ही शुरू हुई। किस मुंह से आप इनके साथ मिलकर मुंगेर और बिहार की जनता के बीच आइएगा? अमित शाह ने कहा कि मोदी जी विश्व में जहां जहां जाते हैं मोदी मोदी के नारे लगते हैं। अभी अभी अमेरिका गए थे, कोई इनका अपॉइंटमेंट, कोई हस्ताक्षर तो कोई पैर छूकर आशीर्वाद मांग रहा है। वो मोदी जी का सम्मान नहीं है। ये मुंगेर वालों आपका, बिहार और 130 करोड़ भारतीय जनता का सम्मान है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।